नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अक्ष चांगड़ में। और इस वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं ये वाला बॉक्स जिसके अंदर है एक लाइट विद स्टैंड। तो चलिए फटाफट करते हैं इसको अनबॉक्स। बॉक्स के अंदर आपको दो और बॉक्स जो है देखने मिलते हैं दोस्तों। विद स्टैंड मैंने इसको परचेज किया है, ये हमारी लाइट है और ये इसका स्टैंड 7 फुट का जो है स्टैंड है। लाइट हमारी है 11 इंच की, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो चलिए एक बार पहले इस स्टैंड को ही ओपन कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं लाइट को। स्टैंड हमारा कुछ इस तरह के बैग के साथ आता है और क्वालिटी जो है मुझे ठीक लग रही है यहाँ पे दोस्तों इसकी। तो ये हमारी लाइट का स्टैंड, स्टैंड को मैंने एक्सटेंड कर दिया, आप देख सकते हैं क्वालिटी भी मुझे यहाँ पर इसकी हल्की लगी है। ये देखिए यहाँ से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले से ये क्रैक्ड जो मुझे लग रहा है, और अगर नहीं भी है तो 2-4 बार यूज़ करते ही ये क्रैक हो जाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर आप देखिए पेंट की क्वालिटी भी बेकार है। यहाँ से आप जो है एक बार इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, तो ये नोब यूज़ करके कुछ इस तरह से जो आप इसको क्लोज और एक्सटेंड कर सकते हैं। आप जो मेन चीज़ है हमारी लाइट उसको चेक कर लेते हैं एक बार, उसकी क्वालिटी हमें यहाँ पर कैसी देखने को मिलती है। तो दोस्तों कुछ इस तरह बॉक्स आपको यहाँ पर देखने मिलता है। यहाँ पर ब्रांडिंग गिफ्ट मैक्स, और ये चाइनीज प्रोडक्ट है तो कोई भी अपनी ब्रांडिंग यहाँ पर लिखवा सकता है। ये इसका मॉडल नंबर MM240। यहाँ पर 8K लाइट जो है मेंशन किया गया है, 11 इंच की जो है ये लाइट होने वाली, और इस तरह का डिजाइन है इसका। और ये सिंपल लाइट दोस्तों, व्हाइट लाइट जो है परचेज करी मैंने, RGB लाइट नहीं है ये। तो इसकी ब्राइटनेस जो आप एडजस्ट कर सकते हैं, इसके साथ रिमोट भी आपको मिलता है। बैक साइड में जो है और कुछ चीजें इसकी लिखी है, ये इसके मॉडल नंबर वगैरह। तो 240 जो आपको इसके अंदर LED मिलेगी, इसका रिमोट यहाँ पर मेंशन किया गया है। वो सील आपको यहाँ पर कहीं नहीं मिलती है। अब करते हैं इसको फटाफट ओपन, और देखते हैं इन बॉक्स कंटेंट्स। सबसे पहले आपको यहाँ पर इसका यूजर मैनुअल देखने को मिल जाता है, कुछ इस तरह की जो है अंदर पैकेजिंग दी गई है। एक ये क्वालिफाइड जो है सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर मिलता है। ये इसकी पावर कोर्ड, ये यहाँ पर भी स्विच जो है इसमें दिया गया है, तो यहीं से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। और क्वालिटी जो है मुझे ठीक लग रही है इसकी। सबसे पहले लाइट को ही जो हम बाहर निकालते हैं, तो ये देखिए फ्रंट में जो ये कवर लगाया गया है, ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है यहाँ पर मुझे लग रहा है दोस्तों। काफ़ी स्लिम जो है लाइट है, ये देखिए यहाँ पर भी इसकी कुछ डिटेल्स लिखी गई है, मेड इन चाइना जो है प्रोडक्ट है। माउंट करने के लिए आपको यहाँ पर दो जो है माउंट्स दिए गए हैं, ये देखिए एक इस तरफ, इससे आप इसको पोर्टेबली जो है माउंट कर सकते हैं ट्राइपॉड पे, और एक नीचे की तरफ। तो दो जो है माउंट्स आपको यहाँ पर देखने मिलते हैं इसके। ये तो थी हमारी लाइट, इसको भी साइड में रख देते हैं एक बार। ये इसका रिमोट, एक ये बॉल हेड आपको इसके साथ माउंट मिलता है, और दो सेल भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। यही कंटेंट्स थे इसके अंदर। अब इस सभी को, इस बॉक्स को हटा दे पहले। तो ये इसका रिमोट है दोस्तों, काफ़ी लाइट वेट है, ये बटन वगैरह जो काफ़ी अच्छे जो इसके काम कर रहे हैं। और ये इसका बॉल हेड, बॉल हेड की क्वालिटी भी ठीक है दोस्तों, जिस हिसाब से इसका प्राइस है तो फिक्स जो है काफ़ी अच्छी तरह से हो जाता है दोस्तों। ये देखिए हल्का सा मैंने इसको टाइट किया और अपनी जगह पे ये स्टेबल हो चुका है। फटाफट इसे असेंबल करता हूँ मैं, और फिर देखते हैं इसकी लाइट कैसी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो दोस्तों लाइट को मैंने फिक्स कर दिया स्टैंड पे, और कुछ इस तरह की जो आपको यहाँ पर लुक देखने को मिलती है इसकी। आउट करते हैं इसको ऑन, और चेक करते हैं इसकी लाइटिंग कैसी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। चलो चलो चलो, उजाला ही उजाला, आया नया उजाला, चार बूंदों वाला। तो डायरेक्ट जो ये ऑन हो जाती है इस रूम में जब आप इसको प्लग इन करते हैं। बाकी आप मैंने रिमोट से जो इसको ऑफ किया, और रिमोट से ही इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ऑन करने के लिए हमें प्रेस करना है ऑन, तो ये ऑन हो गई। और फिलहाल ये जो है नाइट मोड जो इसमें दिया गया, तो नाइट मोड पे जो है अभी ये लाइट है। अब करते हैं इसको कूल पे, तो ये सेक्शन का बटन हमें प्रेस करना है, तो इससे हमें स्विच कर सकते हैं इसको वार्म और कूल पर। तो ये देखिए ये कूल जो है लाइट अप, और ब्राइटनेस जो है हम इससे एडजस्ट कर सकते हैं, फुल जो है इसका ब्राइटनेस दोस्तों। और लाइट जो काफ़ी तेज इसकी है, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा जो है इफेक्टिव लाइट है इसकी। ये जो है इसका अभी मैक्सिमम ब्राइटनेस है। अब लो ब्राइटनेस जो हम चेक करते हैं इसका, तो ये सबसे लोएस्ट जो इसका ब्राइटनेस है। अब इसको वार्म पे जो हम स्विच करते हैं, तो ये है इसका वार्म इफेक्ट, येलोइश जो है आपको यहाँ पर लाइटिंग देखने को मिल रही होगी। इसका भी लो लेवल जो हम चेक करते हैं, तो ये अब लोएस्ट लेवल पे है। CD-CD+ जो है, इससे आप इसकी जो कूल लाइटिंग है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये फुल्ली जो है व्हाइट लाइटिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है।
तो दोस्तों रूम के अंदर एक लाइट जो है अभी फिलहाल जली हुई है, अब बैलेंस जो है करके देखते हैं हम लाइट को। उस तरफ से लाइट आ रही है, मैं इस तरफ कराऊंगा और इस तरफ से जो है इसकी लाइटिंग हम एडजस्ट करेंगे और देखते हैं कैसा जो है इफेक्ट आता है। तो इस तरफ जो है आपको अंधेरा दिख रहा होगा ज़्यादा, अब ऑन करते हैं इसको फोन पे ये फिलहाल, उसके हिसाब से हम इसको एडजस्ट करते हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं बिल्कुल लाइट जो बैलेंस हो चुकी है, तो इसीलिए मैंने इसको परचेज किया क्योंकि बाहर जो है रिकॉर्ड करने में काफ़ी ज़्यादा जो है नॉइज़ आती है, कभी किस चीज़ की कभी किस चीज़ की, तो अंदर जो मैं इजीली वीडियो जो भी रिकॉर्ड करना होगी मैं कर सकता हूँ विदाउट नॉइज। अब एक बार इस लाइट को भी ऑफ करके हम इसका फुल इफेक्ट जो है देखते हैं बिल्कुल अंधेरे के अंदर जो है कितना उजाला है कर दे। तो फिलहाल ये वही ब्राइटनेस है दोस्तों जो अभी मैंने सेट किया था उसके अकॉर्डिंग। अब करते हैं इसको फुल और कमरे में ये देखिए बिल्कुल अंधेरा है। अब करते हैं इसको ऑन, तो ये इसका मैक्सिमम ब्राइटनेस दोस्तों रूम में जो बिल्कुल इसने उजाला कर दिया है, आप देख सकते हैं एक एक कोना बिल्कुल आसानी से। लाइट जो है ब्राइट है दोस्तों और ये इसकी वार्म लाइट है वापस से फुल। तो लाइट जो है काफी अच्छी लगी दोस्तों मुझे, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। परचेज करनी हो तो लिंक के डिस्क्रिप्शन में, और इसका प्राइस है 2699 रुपए विद स्टैंड, विदाउट स्टैंड जो आप इसको परचेज कर सकते हैं उसका प्राइस है 2000 के लगभग। तो दोस्तों यही था हमारा आज का प्रोडक्ट गिफ्ट मैक्स की ये लाइट, और पैसों के हिसाब से मुझे इसकी क्वालिटी जो हल्की लगी है, लेकिन जो लाइट है वो काफी अच्छी यहाँ पर दी गई है, आप देख सकते हैं लाइटिंग जो इसकी काफी अच्छी है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक कर देना शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। देखने के लिए मिलता हूँ मैं आपसे फिर से एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।